130 RPM है वो गाड़ी का जल्दी बढ़ जाता है और स्पीड धीरे धीरे कैचअप करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्राइव क्राफ्ट। दिस इज रिपेश हियर और आज हम चलाने वाले हैं द ऑल न्यू फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी पेट्रोल ऑटोमेटिक। दिस इज द ZX वेरिएंट, टॉप वेरिएंट। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में, इस गाड़ी का इंजन कैसा है, ट्रांसमिशन कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, ब्रेक्स कैसे हैं, गाड़ी चलने में कैसी है। और इस गाड़ी के इंटीरियर और फीचर्स को लेकर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको पहले मिल जाए। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस गाड़ी के बारे में। अब आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के केबिन के बारे में। तो गाड़ी के केबिन में जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स यूज हैं, काफ़ी प्रीमियम है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है गाड़ी के अंदर। और इकोनॉमिकली अगर बात करें गाड़ी की, तो गाड़ी की जो सीट्स हैं, ड्राइविंग सीट्स, वो 6-way मैनुअली एडजस्टेबल हैं और स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से एक कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन में पहुंचना काफ़ी आसान रहता है आपके लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ योर हाइट। और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन में पहुंचने के लिए। सीट अगेन काफ़ी कंफर्टेबल हैं, इसमें आपको मिल जाती है अच्छी साइड बोलस्टरिंग, अच्छा अंडर थाई सपोर्ट, शोल्डर रूम अच्छा मिलता है, कुशनिंग अच्छी मिलती है, जो कि अगेन लॉन्ग जर्नीज पे अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो सीट पे ड्राइव करते हुए, वहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल फील होगी आपको ये सीट। अगर बात करूँ बाकी कंट्रोल्स वगैरह की, तो अगर आप मैं बात करूँ एसी के कंट्रोल्स की या फिर विंडो के कंट्रोल्स की, तो सब कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस है, जिसकी वजह से आपको रोड से नज़र हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। रोड के व्यू की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा रोड का व्यू मिल जाता है, ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है, विंडो लाइन बहुत ऊपर नहीं है, बहुत नीचे नहीं है, इसकी वजह से वो काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है रोड का साइड में भी आपको। जो ORVMs है उस गाड़ी के, वो आपके डोर पे प्लेस हैं, जिसकी वजह से आपको एक ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता है, जो कि अगेन हेल्प करता है आपकी ड्राइविंग में। और इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का IVTEC मोटर, जो प्रोड्यूस करता है 121 BHP की पावर, 145 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। और इसमें आपको ऑटोमेटिक में आपको मिल जाता है CVT गेयरबॉक्स, 7 स्टेप CVT गेयरबॉक्स पेडल शिफ्टर्स के साथ। जो पहली चीज़ इस वक्त ये गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, और जो पहली चीज़ आप नोटिस करोगे, टिपिकल पेट्रोल या फिर टिपिकल होंडा नेचर कह लो, बहुत ही साइलेंट इंजन है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है। रिफाइनमेंट लेवल से मेरा मतलब है कि कोई नॉइज इंजन के अंदर नहीं आती है। और जो आपका स्टीयरिंग व्हील है या फिर जो आपका गियर लीवर है या फिर जो पेडल्स हैं, कहीं पे भी कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती है आपको, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इस गाड़ी को ड्राइव मोड पर डाल देते हैं और शुरू करते हैं गाड़ी को चलाना। जो फर्स्ट इम्प्रेशंस आपको फील होंगे इस गाड़ी को चलाते टाइम, वो है अगेन जो रिफाइनमेंट वाली बात मैं कर रहा था आइडलिंग पे, वो अगेन कंटिन्यू होती है जब आप इस गाड़ी को चलाना शुरू करते हो। लोअर स्पीड्स पे गाड़ी काफ़ी स्मूथ है, बटरी स्मूथ है, नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आती है आपको गाड़ी के केबिन के अंदर। लोअर स्पीड्स पे साइलेंट केबिन है और CVT गेयरबॉक्स वर्क्स लाइक अ चार्म। लोअर स्पीड्स पे आपको गियर शिफ्टिंग बिल्कुल पता नहीं चलती है, बहुत स्मूथ तरीके से गाड़ी चलने लगती है, तो जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इंजन इस गाड़ी का 121 BHP निकालता है 145 न्यूटन मीटर्स के साथ। IVTEC मोटर है, जो कि अगेन काफ़ी पॉपुलर है होंडा का, और 15 साल से होंडा इस इंजन के दम पे ही होंडा सिटी को बेच रही है, जिसकी वजह से होंडा सिटी का काफ़ी नाम भी है इस इंजन के लिए। चाहे वो रिफाइनमेंट ले लो आप या फिर मैनुअल रेट में इसकी परफॉर्मेंस ले लो, रॉकेट की तरह ये गाड़ी जाती है अगर आप इस गाड़ी का मैनुअल लेते हो। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। पहले बात करते हैं सिटी लिमिट्स के अंदर, अगर आप गाड़ी को आराम से चलाते हो वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस होता है। बहुत ही स्मूथ, हैजल फ्री, कन्वीनियंट एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का आपको सिटी के अंदर। जो टारगेट कंज्यूमर है इस गाड़ी का, जो टारगेट कस्टमर है इस गाड़ी का, वो वही लोग होते हैं जिनका कम्यूट ज़्यादा होता है ट्रैफिक वाले इलाके से होता है, या फिर ओवरऑल जिनको गियर शिफ्टिंग थोड़ी दिक्कत लगती है, बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ता है ट्रैफिक में, उनके लिए ऑटोमेटिक होती है। और वो चीज़ इस गाड़ी में, उस माइंडसेट से अगर आप गाड़ी लेते हो कि आपको एक कन्वीनियंस चाहिए, हैजल फ्री, स्ट्रेस फ्री राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए, उस के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है। इस गाड़ी को मैं 10-15 दिन से चला रहा हूँ और 400-500 किलोमीटर चला चुका हूँ, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरा।
मेजरली सिटीज़ में ही ये गाड़ी, सिटी के अंदर ही ये गाड़ी चली है, तो सिटी के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही रिलैक्स्ड आराम रहता है गाड़ी चलाने में। जो रिस्पॉन्स मिलता है आपको इंजन से, वो अगर आप ग्रेजुअली इस गाड़ी में स्पीड बिल्डअप करते हो वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। स्लोली अगर आप पेडल को पुश करते हो तो इंजन स्पीड्स गेन कर लेता है अच्छे तरीके से, और कोई ओवरटेकिंग वगैरह के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, इनफ पंच प्रोवाइड करता है। जो आपको एक डाउन साइड इसके साथ मिलता है वो है इसका गेयरबॉक्स, CVT गेयरबॉक्स मिलता है इस गाड़ी में, और जो भी थोड़ा बहुत गाड़ी के बारे में नॉलेज रखता है उसको मालूम होगा CVT गेयरबॉक्स के साथ एक रबर बैंड इफेक्ट आता है। उसमें क्या होता है कि जब भी आप इस गाड़ी को एक्सीलरेट करोगे तो आपको फील होगा कि जो RPM है वो गाड़ी का जल्दी बढ़ जाता है और स्पीड धीरे धीरे कैचअप करती है। मतलब जैसे कि अगर मैं इस वक्त चल रहा हूँ, इस वक्त गाड़ी 1200-1250 RPM पे 60 की 62 की स्पीड पे चल रही है, और अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली या फिर एकदम से अचानक से एक्सीलरेटर को दबा दूँ तो अगर आप नोटिस करोगे तो पहले RPM बढ़ जाता है बहुत तेज़ी से, उसके बाद स्पीड बढ़ती है। इसी को वो रबर बैंड इफेक्ट कहते हैं, जो मिसमैच होता है ना RPM और स्पीडोमीटर में, स्पीड में, उसी को रबर बैंड इफेक्ट कहते हैं। तो वो इस गाड़ी में है। तो अगेन, अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तरीके से चलाना चाहते हो और अग्रेसिवली चलाते हो तो आप CVT गियरबॉक्स ना लें, आप मैनुअल की तरफ जाएं, और जिसमें आपको इस इंजन का असली मज़ा आएगा चलाने में, जो कि IVTEC मोटर का नोन है, जो उसकी पंची परफॉर्मेंस है, जो पेपी परफॉर्मेंस है इस इंजन की, अगर आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो आप मैनुअल के लिए जाएं, CVT के लिए ना जाएं। CVT उन लोगों के लिए है जो कंफर्टेबली और हैसल फ्री राइडिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, जो बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तरीके से गाड़ी नहीं चलाते हैं। ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं कि कहीं लैक ऑफ पावर फील होता है, बस जो इंस्टेंटेनियस पुल चाहिए आपको, जो एकदम से इमीडिएट पुल चाहिए होता है, वो इसमें थोड़ा डिलेड तरीके से आता है। ऑल्दो अगर आप थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तरीके से गाड़ी चलाना चाहते हो तो उसमें, उसके लिए इस गाड़ी में आपको स्पोर्ट्स मोड मिलता है जहाँ पे आप मैनुअली गियर्स को पेडल शिफ्टर से चेंज कर सकते हो, बट वो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इस गाड़ी का मैनुअल गियरबॉक्स है। जिनको गियर शिफ्टिंग नहीं चाहिए, जिनको आराम से चलना है, जो कि बहुत ही ग्रेजुअल स्पीड बिल्डअप करते हैं, धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाना पसंद करते हैं स्पीड, मतलब एकदम से एक्सेलरेट नहीं करते, जो कि 0 to 100 में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, उन लोग के लिए CVT बहुत ही परफेक्ट चॉइस है। कंफर्ट के मामले में, रिफाइनमेंट के मामले में कोई शिकायत नहीं है। अब जब आप इस गाड़ी को हाईवे पे लेके जाते हो, वहाँ पे जो आपकी स्पीड होती है उस स्पीड तक गाड़ी को लेके चलते हैं, तो राइट नाउ वी आर डूइंग 60 और 70। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे 80 की स्पीड पे के बाद आपको थोड़ी सी टायर की नॉइज़ केबिन के अंदर आनी शुरू हो जाती है, जो कि होंडा ने बहुत प्रॉपरली इसके टायर जो व्हील आर्चेस हैं उसको इंसुलेट नहीं किया, जिसकी वजह से होता है। तो फेयर अमाउंट ऑफ रोड नॉइज आती है इस गाड़ी के अंदर, केबिन उतना ज़्यादा साइलेंट नहीं होता है इन स्पीड्स पे, 80-90 की स्पीड्स पे उतना ज़्यादा साइलेंट नहीं होता जितना इसको होना चाहिए, या फिर जितना से कॉम्पिटिशन में वरना वगैरह का केबिन साइलेंट रहता है, उतना साइलेंट नहीं रहता है इसके अंदर। मतलब इस स्पीड पर अगर आप इमीडिएट एक्सेलरेशन नहीं करो तभी भी इंजन काफ़ी साइलेंट है, इंजन की आवाज़ अंदर नहीं आ रही है कुछ खास। इंजन नॉइजी इसका तब होता है जब अगेन वही आप इमीडिएट पंच की उम्मीद करते हो, जब इसको आप, यू कैन फील नाउ द नॉइज इंजन की जो अंदर आ रही है। सो परफॉर्मेंस ऐसी कोई कम भी नहीं है इस गाड़ी की, 140 वी आर डूइंग 130-140 विद इन नो टाइम। सो परफॉर्मेंस कोई ख़राब नहीं है, पर जो एक इंगेजिंग राइड मिलती है ना आपको मैनुअल के साथ, वो इसमें नहीं मिलती है। अब बात करें इस गाड़ी के सस्पेंशन सेटअप की, तो इस गाड़ी का जो सस्पेंशन सेटअप है, होंडा ने पिछले मॉडल से इसका सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट किया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी पॉट होल्स वगैरह में और अनइवन रोड्स पे काफ़ी अच्छा कम्फर्ट प्रोवाइड कराती है आपको। लेकिन वही चीज़ है, जब इस गाड़ी को आप हाई स्पीड पे चलाते हो और अंडुलेशंस आती है तो वहाँ पे एक आपको वर्टिकल मूवमेंट फील होता है, और कॉर्नरिंग वगैरह में भी ओवरऑल तो काफ़ी अच्छी कॉर्नरिंग एबिलिटीज हैं इस गाड़ी की, लेकिन थोड़ा सा बॉडी रोल, जो शार्प हैंडलिंग, जो रेजर शार्प हैंडलिंग आप कहते हो, वो चीज़ नहीं मिलती आपको, वो थोड़ा सा बॉडी रोल मिल जाता है आपको इस गाड़ी में। थोड़ी सी हाइट भी इस गाड़ी की कॉम्पिटिशन से ज़्यादा है,
और लेंथ भी ज्यादा है, वेट भी ज्यादा है, तो ओवरऑल स्पेस तो काफी अच्छा मिल जाता है आपको, लेकिन सॉफ्टर सस्पेंशन होने की वजह से एक बॉडी रोल फील होता है आपको। तो अगेन वहाँ पे भी बहुत ही एंगेजिंग, अगर आप कंपेयर करो इसको पोलो से जो कि काफ़ी बेहतरीन हैंडलिंग वाली गाड़ी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉडी रोल फील होगा, बट ओवरऑल ऐसा कुछ खास डील ब्रेकर नहीं है, गाड़ी अच्छा हैंडल होती है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतरीन है इस गाड़ी की। अब बात करें अगर इस गाड़ी की स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग इस गाड़ी का काफ़ी लाइट है सिटी लिमिट्स में, और मतलब स्लोअर स्पीड से काफ़ी लाइट है, लेकिन एक स्पीड बिल्डअप होने के बाद अच्छा फीडबैक प्रोवाइड कराता है, रिस्पॉन्स अच्छा है, और स्टीयरिंग इनपुट आपको अच्छे तरीके से एक्सेंचुएट होते हुए दिखते हैं रोड पे। आप जब भी गाड़ी को हल्का भी मूव करते हो तो गाड़ी मूव होती है। और अगर अब बात करें इस गाड़ी के ब्रेक्स की, तो राइट नाउ वी आर डूइंग अराउंड 80, और अगर मैं यहाँ पे गाड़ी के ब्रेक्स दबाऊं, सो ब्रेक्स काफी स्ट्रॉन्ग है इस गाड़ी के, बहुत ही अच्छे ब्रेक्स हैं, लेकिन जो एक डाउन साइड है उसका रीजन ये है कि होंडा ने इस गाड़ी में 185 सेक्शन के टायर्स यूज किए हैं, जो कि अगेन कंपटीशन से के मुकाबले पतले हैं, और ओवरऑल ऐसे कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हो तो वहां पे इस गाड़ी के टायर्स जवाब देना शुरू करते हैं। ऑल्दो इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स भर भर के दिए हुए हैं, ABS है, EBD है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल असिस्ट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 6-6 एयरबैग मिल जाते हैं आपको। ऑल्दो एशियन एनकैप में इस गाड़ी को 5-star की सेफ्टी रेटिंग मिली है, तो गाड़ी बहुत सेफ है, बट एक होता है ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है आपको, पैनिक ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आता, टायर्स जवाब देना शुरू कर देते हैं उस स्पीड पे, तो वो एक चीज़ और इम्प्रूव की जा सकती थी। बाकी अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के माइलेज की, तो वहाँ पे अगेन कंपनी क्लेम करती है आपको 18.6 समथिंग का माइलेज, और शहर में ये गाड़ी अब तक 12, 12.5, 13 के आसपास का माइलेज निकाल ली, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर आप हाईवे पे इस गाड़ी को चलाते हो तो इस गाड़ी से आप 18 से भी ऊपर माइलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि जहाँ CVT की वजह से आपका ड्राइविंग प्लेजर थोड़ा सा कम हो जाता है, या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ड्राइविंग का प्लेजर थोड़ा सा कम हो जाता है, वहीं पे एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है CVT का, अगर इस इंजन को आप ग्रेजुअली स्पीड बिल्डअप करो, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सीलरेटर इनपुट ना दो, और बहुत अग्रेसिव ब्रेकिंग वगैरह ना करो, और एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे लंबे टाइम तक चलो, तो ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया माइलेज देती है। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो, गाड़ी चलाओगे, धीरे धीरे स्पीड बिल्डअप करोगे, कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलोगे, हाईवेज पे क्रूज कंट्रोल का यूज़ करोगे, तो शायद ये गाड़ी आपको 20+ का भी माइलेज निकाल सकती है, लोग निकालते भी हैं, यही चार है CVT का। जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस थोड़ी कम मिलती है, मतलब परफॉर्मेंस कम नहीं मिलती है, परफॉर्मेंस सफिशियंट है। अब मैं अगर इस गाड़ी का परफॉर्मेंस टेस्ट करके दिखाऊँ आपको, सो लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, एक्सेलरेटिंग एज हार्ड एज आई कैन, 2000 RPM, देयर वी गो, एक अच्छा किक बैक आपको फील होता है गाड़ी में, सो वी हैव क्रॉस्ड 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, सो ऐसा नहीं है कि आपको इस गाड़ी में परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, परफॉर्मेंस मिलती है, बट वो इमीडिएट पंच नहीं मिलता है आपको, मतलब जो iVTEC मोटर से आपको मैनुअल में एक इमीडिएट पंच मिल सकता है, वो इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता है अगर आप एक किक डाउन एक्सेलरेशन टेस्ट करते हो तो। सो अगर ड्राइविंग मोड्स की बात करें तो उस गाड़ी में आपको कोई ड्राइविंग मोड्स वगैरह नहीं मिलते हैं, ऑल्दो आपको एक इकॉन मोड मिल जाता है यहाँ पे गियर लीवर के बगल में, जिससे थोड़ा सा जो इंजन का रिस्पांस है वो थोड़ा डल हो जाता है, थोड़ा सा गाड़ी माइलेज ओरिएंटेड तरीके से ज़्यादा चलती है, जिससे थोड़ा सा इम्प्रूव माइलेज आपको मिलता है। बाकी अगर मैं बात करूँ वर्डिक्ट की, तो ओवरऑल ये गाड़ी बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही रिलैक्स गाड़ी है, बहुत ही कम्फर्टेबल गाड़ी है। बात करो स्पेस की, रियर सीट स्पेस की, या फिर जो फीचर्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं आपको, उन सबको ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छी गाड़ी है। बस वही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार खोज रहे हो और ऑटोमेटिक में आपको लेना है, तो CVT गियरबॉक्स मतलब बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है। जो इमीडिएट एक्सेलरेशन मिलता है, जो इमीडिएट पंच मिलता है, जो इमीडिएट आपको पुल मिलता है गाड़ी में, वो इस गाड़ी में थोड़ा सा मिसिंग है।
अगर वो आप खोज रहे हो तो फिर उसके लिए आपको इस गाड़ी का मैनुअल वर्जन लेना चाहिए, मैनुअल गियरबॉक्स लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर फन जो है ना आईवीटेक इंजन का वो उस गियरबॉक्स से आपको मिलेगा। अगर आप ऑटोमेटिक ही खोज रहे हो तो फिर आप इससे काउंटर पार्ट्स वरना में या फिर वेंटो में आपको जो गियरबॉक्स मिलता है, खैर वेंटो में डीएसजी नहीं मिलता है, वरना में आपको डीसीटी मिल जाता है ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, जिसमें आपको थोड़ा और अगर आप एग्रेसिव राइडिंग करते हो तो वहाँ पर आपको अच्छा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। पर अगर आपको कंफर्टेबल कार चाहिए, रिलैक्स कार चाहिए, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गाड़ी नहीं चलाते हो, तो उस केस में ये गाड़ी अभी भी अपने सेगमेंट में बेस्ट कार है हैंड्स डाउन। और आई हैव बीन यूजिंग दिस कार फ्रॉम पास्ट 10 to 12 days और फेयर आइडिया लग चुका है इस गाड़ी का। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने व्यूज़ हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो में कुछ कमी लग रही हो तो वो भी बताएं, इसको हम सुधारेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिसकी वजह से नई वीडियोज़ आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपने अब तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो हमें फॉलो कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।